आकाशीय बिजली गिरने से हुई किसान की मौत, प्रशासन के समझाने के बाद भी परिवारजन ने नहीं होने दिया मृतक का पीएम। अशिक्षा और अज्ञानता के चलते लाभ से वंचित हुआ परिवार। खबर कराहल से है, जहां कल 19 जुलाई शुक्रवार को क्षेत्र में गरज चमक के साथ अत्यधिक बारिश हो रही थी। इसी क्रम में निचली खोरी निवासी रामेश्वर पुत्र बाबू आदिवासी, जो बारिश से बचने के लिए खेत में छात लगाकर बैठे हुए थे, अचानक उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही सैसीपुरा पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने लगी, तो परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से साफ इनकार कर दिया। थाना प्रभारी अर्चना धाकर ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया भी कि शव का पोस्टमार्टम हो जाने से इससे आपको शासन से मिलने वाली सहायता राशि मिलेगी, जिससे आपको जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के समझाने पर भी मृतक के परिजनों ग्रामीण नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। मृतक की पत्नी का कहना था कि वह नहीं जानती पोस्टमार्टम क्या होता है, ना ही उसे शासन की योजना का कोई लाभ चाहिए। वह अपने पति के शव को कहीं नहीं जाने भेजेगी, वहीं हमें परेशान मत करो। बढ़ता विरोध देख पुलिस को वापस आना पड़ा। हल्का पटवारी ने मौके पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई की। अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार लाखों जब रुपए खर्च करके आदिवासी क्षेत्र में शहरी समाज को जागरूक करने के लिए तमाम निजी और सरकारी एनजीओ संचालित कर रहा है, तो फिर इन संस्थाओं का क्या मतलब, जब वे आज तक इन आदिवासी बस्तियों को इतना भी जागरूक नहीं कर पाया कि दुर्भाग्यवश प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर पीएम कराने से क्या सहायता स्थान शासन स्तर से प्राप्त होती है। कल की घटना इस और इशारा करती है कि संस्थान सिर्फ कागजों में ही शहरी समाज को जागरूक कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मृतक की पत्नी को ये तक नहीं पता था कि पोस्टमार्टम क्या होता है। यदि उसे इसकी सही जानकारी होती तो आज मृतक की पत्नी राजवती अपने पति के शव का पीएम भी करवाती, जिससे उसके तीन छोटे छोटे बच्चे भविष्य में दर दर भटकने को मोहताज नहीं होते। देखिए करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नहीं है मैडम, वो बता दो क्या है। राजवती। राजवती, तो आप मरने वाले की कौन हो? घरवाली। अच्छा, आप थी वहाँ पे उस समय? क्या हुआ था, कैसे खत्म? क्या नाम है उसका? तुम्हारे आदमी का? रामेश्वर। कैसे खत्म हो गया रामेश्वर? हम बैठे मैडम, हम दुख रहे वहाँ के नीचे, चपरा के नीचे सग रही थी, मेमड़ी है मेरे संग हल्के हल्के वो बेबी है। हम बैठे वह चात लगा कर बैठे थे, और उठाए मौका नहीं उठे, तब मैं डकी होनी आदमी निकाज चिल्ला रही हूँ, पानी में कोई नहीं सुन रहा था, वो नहीं जिम मैं नंद बैठी मैं कुआ पे, तो बिन डकी तब बे डकी पे मेरी सास पहुँच गई। फिर बिताए से भी और आ गए, मैं देवर में वर के तन गीत पैसे बिताए से तब बे लिवा कर लाए। अच्छा, कहाँ ले आए फिर तुम भाई? घर ले आये उन्हें टंगा के, और घर ले आया। तो अपने पति की लाश का पीएम कराना चाहती हो क्या? पुलिस की कार्रवाई क्या थी? पुलिस कार्रवाई देखी तो तेरे हिसाब से देखे, मैं खेल ही बताऊँ बेटा। देखो तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति है, तुम बताओ कि क्या करना। मैं तो घर ही रहता हूँ, मैं नहीं जानता। पोस्टमार्टम जानती हो क्या होता है? तेरी कराना चाहती हो क्या? नहीं करा भाई, पैसे सहायता राशि रहती है शासन की, 4 लाख रूपए मिलते हैं, तो लेकिन वो पीएम होगा उसके बाद ही मिलेगा सहायता राशि। अब आप बताए पीएम कराना चाहती है? बोलो। अब हमें घर के नहीं आए। कौन से? मायके वाले से। नहीं, मायके वाले तो आपके आ जाएंगे। है? बता दिया है उनको मायके आ रहा हूँ। तुम बिना पुलिस के आने के कुछ नहीं होगा। डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा तो बताएगा कि काय से मृत्यु हुई है, कैसे मरा है। इसकी पता तभी चलेगा जब पोस्टमार्टम होगा कि जी काय से मरा है। डॉक्टर साहब उसमें उसका कारण नहीं लिखेंगे, उसकी मृत्यु कैसी हुई है। मैंने कि आ रहे हैं अभियाल ने कहा, यहाँ कोरी आ गए थे हम, है ना। तो अभियाल आ रहा, मैं भेज ही रहा हूँ, है ना, या मैं कोई ना कोई एक ना एक अभियाल आ ही रहा हूँ, है ना, आधा घंटा में आ रहा हूँ। ये तो मना कर रहे हैं, ये तो मना कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं कराना। तुम बताओ, तुम्हारे पति थे इसलिए तुम्हारा पूछना, तुम्हारा हक है बताना। नहीं मैडम, पति का नहीं, तो हाँ या बता, ना, बता, ना करो या फिर ना। ओ बाबू दादा, बहू तो कह रही है। अब बोझाए बहू तो कह रही है पैसा तो चाहिए भाई। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, माल को नहीं चाहिए सर। बोलो भाई, नहीं कराना, नहीं कराना पोस्टमार्टम, नहीं कराना, नहीं कराना। पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर बाद में आप किसी से मतलब किसी के ऊपर नहीं, 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 न
क्योंकि हम यहाँ आए हैं मौके पे और हम उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। नहीं कहूँगा तो कोई से नहीं कहूँगा मैडम, नहीं कहूँगा ना मैं कोई से कछु नहीं। आप कौन हो? आप इनके भाई हो? नहीं मैं भतीजे हूं, बहू है मेरी साहब। उस मैडम ने करवाएंगे ना के राज पीएम ने करवाएंगे साहब। नहीं करवा मेरा भतीजा था, मेरा चिरौंजी है। चिरौंजी पिताजी का नाम? बबीता। मेरा बड़ा भाई है, बड़े भाई है। हमारे को नहीं चाहिए पैसा, पैसा हमारे को नहीं चाहिए पैसा। पैसा मोड़ा का कौन का मैडम? नहीं देखो ये तो शासन की राशि है। नहीं नहीं शासन में से मतलब मेरे सामने पूछ मैडम भैया साहब, कोई एक रुपये नहीं मिले वो कम से कम आज रुपये एक नहीं मिलेगा। पर की बात है ये मेरे सामने की बात, वो कैसे खत्म हुआ? अटैक से खत्म रात में, अटैक वाले को नहीं मिलता, अटैक वाले वाले को नहीं मिलता पैसा। ये तो ऐसे कोई डूब के मर जाता है क्या, कोई मतलब एक्सीडेंटल कोई खत्म हो जाता है ना, तब कोई जानवर है कोई खा बीच में ऐसे खा जाए उसका है। तो आप कराना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा से बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा से बोल रहे हैं साहब, किसी का दबाव नहीं है मैडम, कोई दबाव नहीं। अरे हमारा कौन दबाव नहीं, दबाव कौन है हमारे को? कैसे खत्म हुआ आपका लड़का? बिजली से। कौन सी वाली बिजली से हुआ? आकाश से जो बिजली गिरती है उससे खत्म हुआ है। अच्छा कौन सी जगह लगा था, कौन सी जगह गिरी है आकाश की बिजली, कहाँ था उस समय वो? खेत पे। किसके? तुम्हारे खेत पे ही था? और कौन था वहाँ पे? घर वाली और बच्चे संग में। आप थे वहाँ पे? मैं नहीं हूँ। तो आपको किसने बताया फिर? मैं तो दूसरे खेत में, मैं घर आया हूँ तो बच्चा बच्ची लगावेगा। अच्छा कितने बजे की बात है ये? वो दो ढाई बजे की बात है। नहीं नहीं चार और तीन, चार के चार के और तीन के बीच में, नहीं चार के और तीन के बीच में, तीन और चार के बीच में। तो बहुत डेढ़ घंटा साढ़े छह बजे हम मौके पे है तो सर जी है। नहीं तो फिर आप वहाँ पर गए थे? मैं गाँव में। कौन कौन गया था? बच्ची ने लेवा लांग में क्या देखा फिर वहाँ पे? कुछ नहीं देखो, वो तो वहाँ टांग रहे मोड़ा। अब बाबू भाई जी बता, जैसे शेषीपुरा से पुलिस आई है तो अब आपका क्या कहना है, इनसे साहब से क्या कहना चाहते हो? कौन कि अपनी स्वेच्छा से नहीं कराने चाहते पीएम के, क्या है इनको बताओ साहब को? साहब साहब स्वेच्छा से नहीं कराना चाहते मैडम, सुन रही है? स्वेच्छा से नहीं कराना चाहते? मैं स्वेच्छा से नहीं कराता। ठीक है नहीं फिर आप बाद में कोई है ना, बाद में।